श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं आचार्य राजा उपाध्याय बहुत स्वागत करता हूँ आपके बेहद अपने ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपकी ग्रह दशा। तो दर्शकों, आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे तंत्र से रिलेटेड हो, ग्रहों से रिलेटेड हो, वास्तु से हो रही हो परेशानी, तो अगर आपको इसके लक्षण में बता दूँ, आपके जीवन से चैन, सुख और रातों की नींद चुरा लेते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं इन ग्रहों और वास्तु के दोषों के कारण। आपके घर में बरकत स्थिर नहीं रहती है जब तक अगर आपके घर के अंदर वास्तु ठीक ना हो। अगर आपके भी जीवन में आ रही है ढेर सारी परेशानी, तो इसका कारण भी ग्रह दोष भी हो सकते हैं। तो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कीजिए। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ आपको समझाया जाता है कि आपकी कुंडली में क्या दोष है। अगर आपका केतु नीच अवस्था में होता है तो आप पे तंत्र एक्सेप्ट होने लग जाता है, यानी तंत्र विद्या शुरू हो जाती है। जब आपकी कुंडली का बृहस्पति खराब हो या नीच अवस्था में आ जाते हैं तो विवाह योग बंद हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करवाते रहिए। एक ऐसा नक्षत्र बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में मालामाल कर देगा और बरकत 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 दे दना धन धन पैसा बरसेगा। इस नक्षत्र का नाम है गुरु पुष्य नक्षत्र। करना क्या है इस नक्षत्र के दिन और इस नक्षत्र के योग के अंदर आपको क्या उपाय करना है मैं बताऊंगा। आपको करना इतना है, उपाय बहुत ही साधारण और छोटा है। तो आप इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में स्वतः ही चेंजेस देखने अवश्य ही अवश्य 101% गारंटी के साथ कहता हूँ। धीरे 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 14 दिन के अंतर्गत ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। करना क्या है आपको, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आपको जाके किसी भी मंदिर के अंदर जाना है और एक ऐसा केले का पेड़ ढूंढना है जिसके ऊपर फल लगे हो, केले के फल लगे हुए हो। तो आपको क्या करना है, बुधवार की रात को जाके वहाँ प्रार्थना करानी है कि मैं दूसरे दिन तुम्हें लेने आऊँगा। गुरुवार के दिन जाके उस जड़ को किसी लकड़ी के सहायता से खोदकर थोड़ा सा जड़ निकाल लेनी है, उसके ऊपर दूध, कच्चा दूध, हल्दी, चंदन ये सब डालकर धोना है। उसके बाद आपको फिर से चंदन का तिलक करके लाल कपड़े में बांध कर आपकी तिजोरी में या ऐसी जगह रख दीजिए जहां आप के अलावा कोई दूसरा हाथ ना लगाए। वह चीज़ आपको धीरे 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 एक गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप उसकी पूजा करते तो दूसरे गुरु पुष्य नक्षत्र तक आपको 101% फायदा देगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों की दुआएं भी आपको लगेगी अगर उनके उपाय सिद्ध हो गए तो। अगर आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना है तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात जरूर कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जरूर कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।